अब से ठीक आधे घंटे के बाद दिखेगा वो नजारा, इंडिया टीवी आपको दिखाएगा वो खबर जहां से तय होगा कि किसके अंदर कितना दम है। शरद पवार क्या पार्टी को इंटैक्ट रख पाएंगे, क्या अभी भी उनके पास वो ताकत बाकी है, या फिर अजीत पवार ने जो बाजी मारी है अब यहां से पलटना मुश्किल है। जी हां, एनसीपी के दोनों गुट आज अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आधे घंटे के बाद बांद्रा में अजीत पवार गुट की मीटिंग होने वाली है। मीटिंग से पहले अजीत के घर पर कई मंत्री और विधायक जुटे हैं। सुबह 11 बजे अजीत पवार गुट की मीटिंग शुरू होगी, दोपहर 1 बजे शरद गुट की मीटिंग शुरू होने वाली है। एनसीपी के दोनों गुटों ने व्हिप जारी कर सभी सांसदों और विधायकों को मीटिंग में बुलाया है। पार्टी के नाम और पार्टी के निशान की लड़ाई, पार्टी में आधिपत्य की लड़ाई, किसके पास कितनी ताकत है, इस बात की लड़ाई, किस मीटिंग में कितने विधायक पहुंचते हैं, इससे यह तय हो जाएगा कि एनसीपी पर किसका कब्जा रहेगा। अजीत पवार गुट की मीटिंग सुबह 11 बजे से है, जबकि शरद पवार गुट की मीटिंग दोपहर 1 बजे से शुरू होने वाली है। लोकेशन भी आपको बता दें कहां किसने मीटिंग बुलाई है। MIT में, जहां पर अजीत पवार का गुट बांद्रा में मीटिंग कर रहा है, तो शरद पवार का गुट नरिमन पॉइंट पर मीटिंग कर रहा है। अजीत पवार गुट ने सभी MP, MLA, MLC को बुलाया है, तो शरद पवार गुट ने सांसदों और विधायकों के अलावा जिला, तालुका, ब्लॉक लेवल के पार्टी अध्यक्षों को भी बुलावा भेजा है। दोनों गुटों ने दूसरे गुट के भी नेताओं को अपनी अपनी मीटिंग में आने का न्योता दिया है। सुप्रिया सुले ने एक वीडियो मैसेज जारी कर शरद पवार की मीटिंग में आने की अपील की है। एक इमोशनल बैनर भी लगाया गया है, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले सुप्रिया सुले की इमोशनल अपील देखिए। उद्या बुधवार 5 जुलाई 2023 यशवंतराव चव्हाण सेंटरला मंत्रालयाच्या समोर मुंबई मी तुमची वाट बघते आणि त्या कार्यक्रमाला मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्या सगळ्यांना प्रिय असणारा 83 वर्षाचा योद्धा तो आत्ताच कराडला गेला होता, तुम्ही त्यांना पाहिलेही असेल। या महाराष्ट्राला ज्यांनी खूप प्रेम दिलं आणि दुपटीने महाराष्ट्राला त्याला त्यामुळे उद्या पुन्हा एकदा पक्षाची पुढची दिशा आणि आपल्या सगळ्यांवर काय काय जबाबदाऱ्या असणार आहेत, काय कामं करायची ही दिशा देण्यासाठी आदरणीय पवार साहेब आपल्या सगळ्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत। मोठ्या संख्येने उद्या 1 वाजता यशवंतराव चव्हाण सेंटर मंत्रालयाच्या समोर मुंबई। लवकर या, सुरक्षितपणे या, मी वाटते। सुप्रिया फुले ने एक वीडियो मैसेज जारी कर एक इमोशनल अपील तो करती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।